नमस्कार दोस्तों, अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस का चौथा पार्ट, यानी चौथे पार्ट में हम जो आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मित्रों, हम चाहते हैं कि जितना हम प्रयासरत हैं आप लोगों की सफलता के लिए, उसका पूरा पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है। क्योंकि जब तक आप लोग हमारे पढ़ाए द्वारा या हम जो बता रहे हैं इसका सही ढंग से आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारा कार्य जो है सफल नहीं होगा। तो सब कुछ मिला करके सारा कुछ आप लोगों को पर निर्भर करता है कि आप कितनी तल्लीनता और मन लगाकर कितना अध्ययन करते हैं। तो मित्रों, चलते हैं हम अपने टॉपिक पर और प्रयास करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि जो हमारा प्रयास है इसको आप लोग असफल नहीं जाने देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों तक सेंड कर दीजिए। हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो पहला हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं, एज बेल एज के बाद प्रथम कर्ता के अनुसार क्रिया आती है। यानी जब एज बेल एज का प्रयोग किसी सेंटेंस में हुआ हो तो उसमें जो सहायक क्रिया आएगी अथवा मुख्य क्रिया आएगी वो किस कर्ता के अनुसार आएगी? प्रथम कर्ता के अनुसार आएगी। यानी जो पहले कर्ता लिखा रहेगा उसी के अनुसार हम क्रिया का यूज करेंगे। एक वचन है, बहुवचन है, क्या है, उसी के हिसाब से हम सहायक क्रिया अथवा मुख्य क्रिया या मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। हम उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे आई एज बेल एज यू, आई एज बेल एज यू, आई एम गोइंग। मित्रों, यहां पर हम ये देखते हैं कि जो हमारी सहायक क्रिया आई है आई एम, ये सहायक क्रिया आई के हिसाब से आई है, आई के अनुसार आई है, क्योंकि आई के साथ में सहायक क्रिया जो लगती है वो क्या लगती है? आई एम लगती है। अगर हम यू के हिसाब से यहाँ पे लगाते, यू के अनुसार लगाते, तो क्या इसका मतलब निकलता? यानी यू के साथ में हमारी सहायक क्रिया जो आती वो आर आती। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी सहायक क्रिया जो आई है वो आई के हिसाब से आई है। अगर यहाँ पे हम आर लगा देंगे अथवा दूसरा यू के हिसाब से कोई क्रिया लगा देंगे तो हमारा ये सेंटेंस जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जब एज बेल एज का प्रयोग हुआ हो तो उसके साथ में हमें किसका प्रयोग करना है? फर्स्ट वाली, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट जो रहेगा, जो सबसे प्रथम सब्जेक्ट आया रहेगा, उसकी हिसाब से या उसके अकॉर्डिंग हम क्रिया का यूज करेंगे। ये तो एक उदाहरण और देख लेते हैं। यू एज बेल एज राम आर स्लीपिंग। यू एज बेल एज राम आर स्लीपिंग लगा है, जबकि जानते हैं आप लोग ए राम जो है एक वचन का क्रिया है, इसके साथ में आना क्या चाहिए? ई जाना चाहिए। लेकिन हमको यहाँ पे ये देखना है कि एज बेल एज है, सॉरी, हमको यहाँ पे ये देखना है कि एज बेल एज का यूज हुआ है। अगर एज बेल एज का यूज होता है तो ऐसी दशा में हमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहता है, प्रथम जो सब्जेक्ट आया रहता है, उसी के अनुसार हम क्रिया का यूज करेंगे। तो यहाँ राम के अनुसार हमको नहीं प्रयोग करना है सहायक क्रिया का, बल्कि यू के अनुसार करना है। तो यू के अनुसार हमारा आर होता है, इसलिए हमने आर का प्रयोग किया। तो मित्रों, चलते हैं दूसरे करेक्शन पर। हाँ मित्रों, अगला देखते हैं हम मेनी का प्रयोग, और नेक्स्ट है मच का प्रयोग। तो मच और मेनी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ पे करें कि सही रहे, हमारा अशुद्ध ना हो, हमारा इनकरेक्ट ना हो, इसके लिए हम इसके बारे में जान लेते हैं। मेनी का प्रयोग मित्रों वहाँ पे होता है जहाँ पर किसी वस्तु की गणना हम कर पा जाएं, गिनती उसकी कर पा जाएं, वहाँ पे होता है मेनी का प्रयोग। ऐसी वस्तुओं के साथ में मेनी और मच दोनों का मतलब बहुत ही होता है, बहुत होता है, पर दोनों का मतलब अलग अलग जगहों पर प्रयोग होता है।
और मेनी का वहां पे प्रयोग होता है जहां पर हम गणना कर पा जाए, किसी वस्तु की गणना हमसे हो सके। तो यहाँ पे हम संकेत के रूप में लिख देते हैं मित्रों, गणना, यानी अगर हमको गणना या गिनती हम उसकी कर पा जाए किसी वस्तु की, तो वहां पर हम मेनी का प्रयोग करेंगे। जैसे हम उदाहरण में ले सकते हैं एज के रूप में, यानी एज हम कह सकते हैं आई हैव मेनी पेंस, आई हैव मेनी पेंस, यानी मेरे पास कई कलमे हैं या बहुत सारी कलमे हैं। तो कहने का मतलब पेन की संख्या जो है वो सीमित हो सकती है, ज्यादा हो सकती कम हो सकती, पर हम उसको गिन सकते हैं, कितनी भी होगी हम उसको गिन सकते हैं। तो ऐसी जिसकी हम गणना कर पा जाए वहां पे मेनी का प्रयोग होता है। अगर गणना ना हो पाए, ऐसी कोई वस्तु हो जिसकी गणना हम ना कर सकें कि इतना इसमें कितना सा है, यानी इसको हम कोई रूप ना प्रदान कर सके, संख्यात्मक रूप कोई प्रदान ना कर सके, तो उसमें किसका प्रयोग होता है, मच का प्रयोग होता है। यानी दोनों का सेम ही मीनिंग है, थोड़ा सा अंतर है, जहां पे हम गणना कर पा जाएंगे वहां पे मेनी का प्रयोग करेंगे, और जहां पे गणना हम ना कर पाए वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, मच। और दोनों का मतलब बहुत ही होता है, मतलब बहुत ज्यादा होता है दोनों का मतलब। तो मच का प्रयोग हम मच के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जैसे कह दें देयर इज मच वाटर इन द सी, देयर इज मच वाटर इन द सी, कहने का मतलब समुद्र में बहुत सा जल है, बहुत सारा जल है, पर हम इसको माप नहीं सकते हैं, इसकी गणना हम नहीं कर सकते कितना जल है, इसकी गणना नहीं कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि बहुत सा जल है। सेम उदाहरण ऊपर वाला भी है कि मेरे पास बहुत सी कलमें हैं, लेकिन हम कलमों को कितनी भी होगी उनको हम गिन सकते हैं, उनको हम संख्यात्मक मान दे सकते हैं। तो दोनों में मित्रों यही फर्क होता है, अर्थ दोनों का सेम है, अधिक, यानी दोनों का अर्थ क्या है, बहुत सा या अधिक। तो इसके बाद हम चलते हैं मित्रों अगले प्रयोग पर। मित्रों देखते हैं हम आन और अपान का प्रयोग, दोनों को हम इसलिए एक पास पास में रख के अध्ययन करना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, क्योंकि दोनों का अर्थ सेम सेम होता है। जैसे आन का भी मतलब होता है ऊपर और अपान का भी मतलब होता है ऊपर, पर हम कहाँ पे किसका यूज करेंगे ये देखने वाली बात होती है, और यही करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए हमको आता है। तो हम देखते हैं आन का प्रयोग वहां पे होता है जहां पे कोई वस्तु स्थिर हो, यानी वस्तु स्थिर हो, वस्तु जो है वो कैसी हो, स्थिर हो, कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर स्थिर रख दी गई हो या पड़ी हो, हिलडुल ना रही हो, ऐसी स्थिति में हम ऊपर की अंग्रेजी के लिए क्या लाएंगे, आन का प्रयोग करते हैं। हम उदाहरण के रूप में आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं उदाहरण से। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, कहने का मतलब ये हो गया कि किताब मेज पर है, स्थिर है, उसमें गति रूपी कोई चीज नहीं है। तो हम ऐसी वस्तु को या ऐसी चीजों का प्रयोग हम जब करते हैं ऊपर की अंग्रेजी के लिए, तो हमें किसका प्रयोग करना है, इंग्लिश में आन का प्रयोग करना है। अपान को भी देख लेते हैं हम, अपान का प्रयोग वहां पे होता है, अर्थ वही होता है दोनों का, ऊपर इसका भी अर्थ है, यहाँ पे ऐसी वस्तु किसी ऊपर किसी के ऊपर जाती है, यानी गतिमान रहती, कोई वस्तु किसी के ऊपर के लिए पहुंचने के लिए गतिमान रहती है, तब वहां ऊपर की अंग्रेजी हम किसको लाते हैं, तब वहां पर हम लाते हैं अपान की अंग्रेजी। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण हम आप लोगों को इसलिए दे रहे हैं उदाहरण से आप लोगों को भलीभांत समझ में आ जाएगा, इसमें ज्यादा लिखना और कुछ है नहीं, हम जितना सब कुछ है हम डिटेल आपको बताते चल रहे हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं, जैसे द कैट
जंप्ड ऑन द टेबल, द कैट जंप्ड ऑन द टेबल, यानी बिल्ली कहाँ पे कूदी, मेज पर कूदी, मेज पर तो जा रही है पर कूद करके जा रही है, यानी गति करके जा रही है, गतिमान होकर के बिल्ली मेज पर जा रही है, इसलिए हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे सारी मित्रों, यहाँ पे अपान का प्रयोग होगा, इसीलिए हम यहाँ पे अपान का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गति करके बिल्ली जा रही है मेज पर स्थिर नहीं है, और ऊपर वाले में जहाँ पे हमने आन का प्रयोग किया वहां पे बुक जो है वो टेबल पर स्थिर है, इसलिए हम वहां पर आन का प्रयोग करते हैं। मित्रों अगला हम देखते हैं, हाँ मित्रों देखते हैं, दो और आल्दो के बाद बट का प्रयोग नहीं होता है, यानी अगर दो या आल्दो दोनों का मतलब होता है यद्यपि, तो इनके बाद जो है हमें किसका प्रयोग नहीं करना है, बट का प्रयोग नहीं करना, अगर हम बट का प्रयोग कर देते हैं तो ये अशुद्ध माना जाता है, लेकिन अगर हिंदी पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बट का उच्चारण कर सकते हैं, बट मीन्स होता है लेकिन, तो वहाँ लेकिन हम पढ़ेंगे, पर इसका अगर हमें इंग्लिश बनाना हुआ तो वहाँ पे हम बट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उदाहरण में हम देखते हैं मित्रों, आल्दो He worked hard. Although he worked hard, यानी यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया। अब यहाँ पे हमें लिखना चाहिए but failed, पर but का प्रयोग नहीं करना है हमको, but अगर लगा देंगे तो हमारा sentence incorrect हो जाएगा, तो हमें लिखना क्या है, although he worked hard, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, हम कामा लगाएंगे, यानी but की जगह पे हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे, He failed. Although he worked hard, यद्यपि उसने कठिन परिश्रम किया, लेकिन, लेकिन की अंग्रेजी के लिए बट आती है, लेकिन बट हमको लगाना नहीं है, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। हम एक और उदाहरण देख लेते हैं, although he is poor, यद्यपि वह गरीब है। अब बट को लगाना है हम यहाँ पे, बट की हिंदी, चूंकि हमें लेकिन की हिंदी निकल रही है, पर हम बट नहीं लगाएंगे, लेकिन की अंग्रेजी बट नहीं लगाएंगे, हम कामा लगा देंगे, ही इज ऑनेस्ट, although he is poor, he is honest, यानी यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है, लेकिन वह क्या है, ईमानदार है। तो मित्रों हम देखते हैं जहां पे दो और आल्दो का प्रयोग करते हैं वहां पे हमें किसका प्रयोग नहीं करना है, बट का, बट का प्रयोग अगर हो जाता है तो वो हमारा इनकरेक्ट होता है। हम चलते हैं मित्रों अगले पर, हाँ मित्रों अगला देखते हैं, अनटिल का प्रयोग और अनलेस का प्रयोग, ये दोनों की सेम मीनिंग है, जब तक कि ना, यानी जब तक कि ना, ये दोनों की सेम मीनिंग है, जब तक कि ना, मतलब निगेटिव है, दोनों वर्ड क्या है, निगेटिव है, और इनका प्रयोग जहां पे होगा वहां उस भाग में, सेंटेंस के उस भाग में नॉट की अंग्रेजी या निगेटिव की अंग्रेजी नहीं आएगी, नो नॉट इस सब का प्रयोग नहीं होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि दोनों का यूज कहाँ पे करेंगे, जब एक ही मीनिंग होती है तो कहाँ कहाँ पे इनका हम यूज करेंगे कि हमारा करेक्ट हो। तो अनटिल का प्रयोग जब समय से रिलेटेड रहेगा कोई सेंटेंस, यानी समय की बात कही गई रही होगी किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे हम अनटिल का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पे संकेत के रूप में लिख भी देते हैं टाइम, यानी टाइम की बात अगर सेंटेंस में है, वाक्य में टाइम की बात है, तो वहां पे किसका हम प्रयोग करेंगे, अनटिल का प्रयोग। और अगर टाइम की बात नहीं है, शर्त की बात है, यानी कंडीशन कोई रखी गई है, कोई कंडीशन है, कोई शर्त है, तो ऐसी दशा में हम जब तक कि ना की अंग्रेजी जो है हम क्या प्रयोग करेंगे, अनलेस। अब हम उदाहरण के
माध्यम से हम समझने का समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा अनटिल, जब तक कि ना यू विल कम, यानी जब तक कि ना आप आएंगे, जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, यानी वो टाइम की बात कर रहा है। एक टाइम संकेत हमको दे, मतलब सेंटेंस से हमको एक टाइम का संकेत मिल रहा है कि उस टाइम तक हम नहीं जाएंगे या मैं नहीं जाऊंगा जब तक कि तुम आओगे नहीं, यानी यहाँ पे एक टाइम मिल रहा है हमको, एक समय प्रदर्शित हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, अनटिल का प्रयोग करेंगे। दूसरे अनलेस वाले में हम देख लेते हैं, जहाँ पे कंडीशन यानी शर्त की बात कही गई है, इसमें कह रहा है यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे जब तक कि ना यू वर्क हार्ड, जब तक कि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे, यानी जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक पास नहीं होंगे। ये हमको एक शर्त दे रहा है, एक कंडीशन बता रहा है कि कंडीशन क्या है, एक शर्त क्या है कि जब तक आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तब तक पास नहीं होंगे। तो जहाँ पे शर्त की बात रहेगी, कंडीशन की बात रहेगी, वहाँ पे हम अनलेस का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर टाइम रिलेटेड रहेगा सेंटेंस में वहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे, अनटिल का प्रयोग करेंगे, और जहाँ पे कंडीशन रहेगा वहाँ पे अनलेस का प्रयोग करेंगे। मित्रों, तो मित्रों हम आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप लोगों से निवेदन करते हैं कि चैनल को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश कीजिए, इसमें आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, दूसरों का लाभ हो जाए अगर आपके थोड़े से वर्क से, तो ये बड़ा ही सौभाग्य होता है, बड़ा ही सौभाग्य की बात होती है। तो मित्रों हम चाहेंगे चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, सेंड कीजिए, मित्रों को बताइए, और हम इसी के साथ अगले वीडियो में आप लोगों को एक नए चैप्टर के साथ, एक नई जानकारी के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।